हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमने देखे स्केलेटन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट्स हमने देखे, एक्सियल स्केलेटन देखा और फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन देखा। ठीक है, जब हम स्केलेटन पढ़ रहे थे तब हमने ये भी देखा कि स्केलेटन में, जो ह्यूमन स्केलेटन में, कुछ कुछ चेंजेस हैं अदर देन द कंपैरेटिव टू अदर एनिमल्स। तो आज मैं समरी में ये बताना चाहूंगी कि अदर एनिमल्स में और ह्यूमन स्केलेटन में क्या डिफरेंस है और क्या एडेप्टेशंस जो हैं वो ह्यूमन स्केलेटन में हुए हैं। ठीक है, एडेप्टेशंस जो हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी हैं, और ह्यूमन ने क्या क्या अडेप्ट किया है उसके एनवायरनमेंट के थ्रू, ये हम हर सिस्टम में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो स्केलेटन इज अ बिग एग्जाम्पल कि जहाँ पर there are very various examples where the human skeleton is different, it is adapted according to its environment. ठीक है, so we are today studying adaptation of adaptations of human skeleton. ठीक है, from head to toe हम देखेंगे कि कौन कौन से एडेप्टेशंस हैं जो कि ह्यूमन स्केलेटन में है। तो सबसे पहला जो हेड टू टो हम देख रहे हैं, तो हेड में जो है हमने देखा, एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल देखा। ठीक है, तो स्कल में जब हम देखते हैं कि तो इन्फीरियर में जो है उसमें फोरामेन मैग्नम मिलता है। ठीक है, ठीक है, यदि आप जो स्केलेटन है उसको स्कल का जो स्केलेटन है स्कल को यदि देखेंगे तो नीचे की साइड पे एक बड़ा सा होल रहता है जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, और उस फोरामेन मैग्नम से के थ्रू ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो निकलती है। ठीक है, ये हमने देखा था, और वहीं से उससे जो एटलस वर्टिब्रा है वो जुड़ती है। ठीक, तो ये जो फोरामेन मैग्नम होता है ये क्या होता है, directed downwards, is directed downwards. ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, उसकी जो दिशा रहती है वो कैसी रहती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है, कुछ इस प्रकार से रहती है। यदि हम देखें तो जो फोरामेन में कुछ इस दिशा में रहेगा और यहां से जो है ये इस प्रकार से स्केलेटन रहता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है फोरामेन मैग्नम डाउनवर्ड डायरेक्शन के कारण क्या रहता है, हेड जो है वो अपराइट पोजिशन में रहता है, सीधा रहता है। ठीक है, नहीं तो यदि फोरामेन मैग्नम सीधा होता तो हेड कुछ इस तरीके से होता। ठीक है, तो उसके डाउनवर्ड होने की वजह से जो हेड है वो अपराइट पोजीशन में रहता है। तो ये हुआ पहला एडाप्टेशन। दूसरा जो है इंक्रीज्ड नेक मूवमेंट। ठीक है, जो ह्यूमन की जो नेक वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसमें काफी सारे मूवमेंट हो पाते हैं और इसकी वजह से हम वेरियस मूवमेंट कर पाते हैं हेड का कुछ इस तरीके से, और हमें ज्यादा विजन मिलता है अपने एनवायरनमेंट का, और जितना ज्यादा विजन उतना वी कैन अलर्ट। ठीक है, तो दीज आर द एडेप्टेशंस की ह्यूमन में क्यों हुआ, ह्यूमन के जो है वो ह्यूमन को अपनी रक्षा करनी थी। ठीक है, उसे अपने से ज्यादा खतरनाक जानवरों से अपनी रक्षा करनी थी, और इसलिए उसकी बॉडी में ये एडेप्टेशंस होना जरूरी थे। ठीक है, तो ह्यूमन के जो नेक है वो मूवमेंट ज्यादा होते हैं जिससे कि वो अपने एनवायरमेंट की ज्यादा अच्छे से अलर्टली देख सकता है और उसका जो है क्या माहौल है वो पता कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ नेक मूवमेंट, इंक्रीज नेक मूवमेंट। दूसरा इंक्रीज्ड हाइट ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की हाइट ज्यादा होती है ह्यूमन में, और उसका कारण जो है, उसके कारण इंक्रीज हाइट के कारण भी जो है जितना वो बड़ा होगा उतने ज्यादा दूर तक वो देख सकेगा। तो ये भी एक एडेप्टेशन है कि उसकी हाइट जो है स्केलेटन की वो ज्यादा है। ठीक है, द थर्ड एडेप्टेशन जो है वो है थोरैक्स में।
थॉरेक्स में एडेप्टेशन क्या है कि जो रिब्स रहती हैं, ठीक है, जो रिब्स रहती हैं उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो कम होता है, बजाय जो लैटरल डायमीटर रहता है उसका एंटीरियर जो लैटरल डायमीटर जो रहता है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आगे से पीछे की, और उसके कारण क्या होता है कि जो उसकी हमें जो अपना पोस्चर मेंटेन करना रहता है वो इजी होता है, ठीक है। तो थोरेक्स जो रहता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लेस देन लैटरल डायमीटर, ठीक है, या ठीक है, दैट मींस कि साइड टू साइड डायमीटर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रंट टू बैक, ठीक है। साइड टू साइड डायमीटर वो ज्यादा होने की वजह से जो हमारा पोस्चर है वो हम सही तरीके से मेंटेन कर पाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एडाप्टेशन इन अवर बॉडी इन अवर स्केलेटन। द अदर वन इज जो वर्टिब्रल कॉलम के कर्व्स हैं, ठीक है, हमने कुछ कर्व्स देखे थे वर्टिब्रल कॉलम के, वो जो कर्व्स रहते हैं, ठीक है, उन कर्व्स के कारण क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हील्स होता है, ठीक है, और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हील्स पे होने पे हम अपने बॉडी का जो वेट है वो ज्यादा अच्छे से बेयर कर सकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हील टुवर्ड्स हील, और इसके कारण हम लोग अपना पोस्चर जो है वो अच्छे से ग्रेविटी के अगेंस्ट मेंटेन कर पाते हैं। ये भी एक एडाप्टेशन है, ठीक है, जो कर्व्स होते हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, दैट इज आल्सो एडाप्टेशन, ठीक। फिर यदि पाम्स में देखें तो जो पाम्स होते हैं हमारे वो वाइड होते हैं, और जो थंब होता है वो अपोजिबल होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है अदर देन द फिंगर, ठीक है। तो ये जो थंब है हमारा बाकी फिंगर से एंगल पे है, ठीक है, और हमारी जो पाम है वो वाइड है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स ऑफ अवर, जो हमारी ही तरीके के जो एनिमल्स है, जैसे कि यदि आप देखें मंकी, हम कहते हैं कि मंकी इज एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, तो उसी प्रकार यदि उनसे हम कंपेयर करें तो उनके और हमारे पाम में क्या डिफरेंस है कि हमारा जो पाम है अदर एनिमल्स से यदि हम कंपेयर करें, ठीक है, जो चार पैरों पे चलते हैं जो चतुष्पादी कहलाते हैं उन एनिमल से यदि हम कंपेयर करें तो उनका जो थंब रहता है वो इसी डायरेक्शन में रहता है, लेकिन इन ह्यूमन वो कंपेयर एज कंपेयर टू अदर एनिमल ह्यूमन में वो थंब अपोजिबल होता है और पाम भी वाइड होती है, जिससे ग्रैस्प करने में हम अपने पाम से बहुत सारा काम लेते हैं, बहुत सारे दूसरे काम लेते हैं जो कि अदर एनिमल्स इतना नहीं लेते जितना हम करते हैं अपने हाथों से काम। तो उन कामों के लिए हमारे हैंड को कैपेबल बनाना, ठीक है, इफिशियंट बनाने का काम ये वाइडर पाम और साथ ही हमारा अपोजिबल थंब करता है, ठीक है। तो ये एक एडेप्टेशन हो गया। अब लेग बोन्स, हमारे जो लेग बोन्स होती हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन द हैंड बोन्स या आर्म बोन्स से जो है स्ट्रॉन्गर देन आर्म बोन्स, और इसका कारण ये है क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो हम लेग्स पे बियर करते हैं और इसलिए हमारी जो लेग्स की बोन है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, जबकि दूसरे एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर बोन्स होती हैं, ठीक है। तो लेग बोन्स हमारी बॉडी में ज्यादा स्ट्रांगर होती हैं, ठीक है। उसके बाद पेल्विक, पेल्विक गर्डल जो है वो क्या करता है, एक बॉवेल शेप बनाता है, उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं,
उनके लिए एक प्रोटेक्टिव जो है कवरिंग रहती है, वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहता है, जिसके कारण वो बोन्स के बीच में प्रोटेक्ट रहते हैं हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन। तो हमारी बॉडी में जो पेल्विक गर्डल है वो क्या करता है, एक बॉवल शेप बनाता है। ठीक, ओके। सो देन हमारा आया फीट। तो फीट में क्या होता है कि हमारा जो टो है, ठीक है, हमारा जो आर्क होता है, हमारा जो फीट रहता है, ठीक है, यदि आप देखेंगे तो फीट में एक इस प्रकार से आर्क होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आर्क होता है हमारे पैर में, ठीक है, ये जो आर्क होता है हमारे पैर में, ये क्या करता है कि हमारे पैर को ये जो आर्क होता है, इसके कारण जो हमारा वेट बेयरिंग एरिया है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और साथ ही ये हमें स्प्रिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके नीचे जो है गैप होता है, स्पेस होता है, जिसके कारण हमारा जो मूवमेंट है वो स्प्रिंगीनेस प्रोवाइड करता है हमारे मूवमेंट को। तो फीट में आर्क जो होता है वो स्प्रिंगीनेस प्रोवाइड करता है एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर वेट बेयरिंग। ठीक, ओके, ओके। तो ये जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो हमारा जो वेट है वो ज्यादा एरिया में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और साथ ही स्प्रिंगीनेस भी प्रोवाइड करता है हमारी हमारे जो मूवमेंट है उसके लिए। ठीक, ओके, ठीक है। अब हमारा जो फीट होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है, ब्रॉड फीट होता है हमारा, और ये जो ब्रॉड फीट है वो हमें ग्रिप प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ हमारे पैरों से ही चलते हैं, हमारे हाथों पे हम नहीं चलते, तो इस कारण जो हमारे पैर हैं, हमारे जो फीट होता है वो ब्रॉड होता है, और ब्रॉड होने के कारण हम ज्यादा अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं जो ग्राउंड है उस पर। ठीक, तो ये सभी हो गए हमारे एडाप्टेशंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। फोरामेन मैग्नम डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नेक मूवमेंट ज्यादा है हमारा, हाइट ऑफ स्केलेटन ज्यादा है, थोरेक्स का जो डायमीटर है वो साइड टू साइड डायमीटर जो है, लेटरल की जगह साइड टू साइड यदि लिखें तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंट दैट मींस फ्रंट टू बैक डायमीटर इज लेस देन द साइड टू साइड डायमीटर, और इसके कारण हम जो अपना अपराइट पोस्चर है उसे मेंटेन कर पाते। वर्टीब्रल कॉलम के कर्व्स क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हील के टुवर्ड्स रखते हैं, और जिससे हम अपना वेट बियर अच्छे से कर पाते हैं और हमारा पोस्चर अपराइट पोस्चर बना पाते हैं। पाम्स वाइड और थंब अपोजिबल ग्रेस्पिंग के लिए, ठीक है, ग्रेस्पिंग के लिए, ठीक। Then leg bones are stronger than the arm bones. ठीक, pelvic girdle bowel shape बनाता है, जिससे हमारे abdominal organ जो है वो जो protected रहते हैं। Feet में arc होता है जो कि springiness provide करता है, और weight bearing के लिए surface area बढ़ा देता है, जिससे ज्यादा surface पे हमारा जो weight है उस distribute हो जाता है। Broad feet होता है जिससे कि grip अच्छी बनती है हमारी ground पे, ठीक है। तो these are the adaptation for the upright posture in the human skeleton, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या होते हैं एडाप्टेशन, ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा एडाप्टेशन क्या क्या होते हैं ह्यूमन स्केलेटन में फॉर द अपराइट पोस्चर। अब मैं आपको बताऊंगी कि फीमेल स्केलेटन जो होता है वो मेल स्केलेटन से थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है ये हम बताएंगे, लेकिन पहले इसका सिग्निफिकेंस में बता दूं। क्या होता है कि फॉरेंसिक मेडिसिन में स्कल
की जो स्टडी है, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी जो है, स्कल की जो स्टडी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब किसी बॉडी का स्केलेटन मिलता है, ठीक है, कोई जब स्केलेटन खाली मिलता है, जैसे कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो अक्यूज्ड है वो क्या करता है कि मर्डर करके और डेथ बॉडी को जो है बरी कर देता है। और वो क्या होता है कि जब एक्सीडेंटली जब वो स्केलेटन मिलता है तो पता चलता है कि अरे किसी को मर्डर करके और वहां पे बरी कर दिया गया, ठीक है। तो उस स्केलेटन को देख कर कैसे पता लगाया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, या उस व्यक्ति की एज कितनी होगी? तो ये सब चीजें जो है उसमें स्केलेटन की स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो है बहुत मायने रखती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फीमेल स्केलेटन कैसे डिफरेंट होता है मेल स्केलेटन से, ठीक है। तो ठीक है, तो फीमेल स्केलेटन कैसे जो है मेल स्केलेटन से डिफरेंट होता है? तो जो पैक्टोरल गर्डल होता है, ठीक है, जो शोल्डर वाला एरिया होता है वो नैरोअर होता है, किसमें? फीमेल्स में, ठीक है, जबकि मेल्स में जो पैक्टोरल गर्डल वाला एरिया है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। दूसरा जो पेल्विक गर्डल वाला एरिया है वो होता है वाइडर, ठीक है, और वाइडर होने के साथ साथ वाइड होता है और उसका जो डेप्थ है वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये जब हम पेल्विक गर्डल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया होता है यहाँ का बिटवीन द टू हिप बोन, ये ज्यादा होता है फीमेल्स में। क्यों? बिकॉज फीमेल बेयर द चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड बेयरिंग के लिए ये एडेप्टेशन होता है फीमेल स्केलेटन में, ठीक है। साथ ही जो लोअर ओपनिंग रहती है, ठीक है, सिंपैसिस जो प्यूबिस होता है वहां से जो ओपनिंग होती है वो जो है वो भी ब्रॉड होती है, इस ब्रॉड, ठीक है, देन द मेल्स वाई जस्ट बिकॉज एट द चाइल्ड की डिलीवरी के लिए जो है ये ओपनिंग सिंपाइसिस प्यूबिस के ब्रॉड होती है इन द फीमेल्स, ठीक है। ये हो गया पेल्विक पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। साथ ही जो फीमेल स्केलेटन होता है वो शॉर्टर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल स्केलेटन, थोड़ा शॉर्ट होता है, छोटा होता है साइज में, और लाइटर होता है, लाइट होता है, उसका जो वजन है वो मेल स्केलेटन से कम होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है, ठीक है। लाइटर स्पेशली द स्कल, स्कल जो होता है वो लाइटर होता है इन द फीमेल्स, और बाकी जो बॉडी की बोन्स होती है वो भी कंपैरेटिव टू मेल्स लाइट वेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद जो कॉकिक्स होता है वो मोर मूवेबल होता है देन द मेल, ठीक है, मोर मूवेबल देन द मेल। देन जो सेक्रम बोन होती है, ठीक है, जो सेक्रम बोन जो कि फाइव वर्टिब्रा से मिलके फ्यूज जब हो जाती है सेक्रल रीजन की बोन्स, तब वो एक सेक्रम बोन बनाती है। तो वो जो सेक्रम बोन होती है वो शॉर्टर और वाइडर होती है, ठीक है, छोटी लेकिन वाइड होती है, वाइडर, ठीक। तो दीज आर द एडेप्टेशन, दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल स्केलेटन, ठीक है। और इस इन चीजों को देख कर जो है स्केलेटन यदि है और ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है तो ये पता लगाया जा सकता है कि ये फीमेल स्केलेटन है, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल स्केलेटन। ओके फ्रेंड्स,
ठीक है, तो कोई भी यदि आपसे पूछे कि कितनी बोन्स होती हैं बॉडी में, तो आपको बहुत ही छोटी क्लास से पता है कि यस वी आर हैविंग 206 बोन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, अब हम चूंकि पूरा स्केलेटन के पार्ट्स देख चुके हैं, तो यहाँ हम काउंट करके देखेंगे सामरी में कि हमारी बॉडी में कैसे ये 206 बोन्स होती हैं। यस, तो वी आर लिटरली गोइंग टू काउंट अवर बोन्स। ओके, सो bones in human skeleton. ठीक है, तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन से यदि हम चालू करें, तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं, और एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसमें होती है 126 बोन, और ये दोनों को यदि प्लस करेंगे तो हो जाएगा 206 बोन्स। अब ये कैसे होती है? ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है वो है स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, स्कल में जो है आता है क्रेनियम, और क्रेनियम में कितनी बोन होती है? ठीक है, क्रेनियम और दूसरा आता है फेस। ठीक है, तो फेस की होती है 14 बोन्स, फेस की होती है 14 बोन्स, और क्रेनियम की होती है 8 बोन्स। एक होती है हायोइड बोन्स, वो भी हमने स्कल का पार्ट माना था। ये हो गई हायोइड बोन्स, एक बोन। ठीक है, वर्टिब्रा टोटल होती है 26। कैसे 26? सर्वाइकल, देन थोरैक्स, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल। ठीक, तो सर्वाइकल की हमने मानी थी 7, थोरैक्स की 12, लंबर की 5, सैक्रल की 1 और कॉक्सियल की 1। सैक्रल और कॉक्सियल को हम एक बोन इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो फ्यूज्ड बोन होती हैं, वो अलग अलग नहीं होती। ठीक है, सैक्रम जो है 5 बोन्स फ्यूज होके एक बोन बनाती है, उसे सैक्रल वर्टिब्रा कहते हैं, और कॉक्सियल में 3 to 5 बोन्स जो है फ्यूज होके एक बोन बनाती है, उसे कॉक्सियल कहते हैं। ठीक है, ये टोटल हो गई 26। रिब्स जो होती है दोनों साइड की 24। ठीक है, 12 इधर साइड की और 12 इधर साइड की, और वो होती है 24। स्टर्नम जो है वो है एक बोन। ठीक है, ओके, तो ये हमारी होगी एक्सियल स्केलेटन, यू कैन काउंट इट डाउन। ठीक है, ओके, तो ये होगी 23 बोन। ठीक है, 15 + 8 ओके इज इक्वल टू 23 बोन्स, और प्लस 26, तो 23 + 26 + 24 + 1, तो ओके सो 9, 10 and 40 साथ, ओके, ये है 74। ओके, इसमें हमने कौन कौन सी जोड़ी है? ठीक है, स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स एंड ओके, सो वन मोर बोन इज देयर इज ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल दोनों साइड पे 3-3 बोन होती है, स्टेपिस, मेलियस एंड इंकस, तो 3 बोन और दोनों साइड की मिला के 6 बोन्स। ठीक, 6 बोन्स होती है,
प्लस 6 करेंगे तो 80 बोन्स, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन में हो गई हमारी 80 बोन्स, ठीक है। अब हम एपेंडिक्यूलर स्केलेटन देख रहे हैं, तो एपेंडिक्यूलर स्केलेटन में सबसे पहले पेक्टोरल गर्डिल हम देखेंगे। पेक्टोरल गर्डिल में 4 बोन्स हैं, कौन सी 4 बोन्स हैं? एक तो स्कैपुला, दोनों साइड की स्कैपुला हो गई 2 बोन, और क्लेविकल, दोनों साइड की क्लेविकल 2, ठीक है। पेक्टोरल गर्डिल के बाद आर्म बोन देखेंगे या लिम बोन, अपर लिम बोन। तो आर्म बोन में यूमरस, दोनों साइड की यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, ठीक है। देन कार्पल्स, कार्पल्स जो है एक लिम में 8 होती हैं, तो दोनों साइड की 16, ठीक है। देन मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स एक एक जो हैंड है उसमें होती है 5, तो दोनों साइड में हुई 10। देन फैलेंजेस, फैलेंजेस जो है वो होती है 15, थंब की होती है 2 और बाकी फिंगर्स की होती है, एक फिंगर में होती है 3, तो 4 फिंगर्स, तो 12 इन द फिंगर्स एंड 2 इन द थंब, तो हो गई 15, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर आया किसका, ओके, पेल्विक का, पेल्विक में, ठीक है, एक हिप बोन जो है उसे एक ही माना गया है नंबर में, क्योंकि इलियम इस्चियम प्यूबिस भी फ्यूज्ड रहती हैं और वो एक बोन बनाती हैं, तो दोनों साइड की 2 हिप बोन हो गई, इसलिए हिप बोन है 2 इन नंबर, ठीक, ठीक है। ठीक है, हिप बोन जिन्हें कहा गया है इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक। अब नंबर आया किसका, हमारे लेग बोन का। लेग बोन में जो है फीमर, दोनों साइड की फीमर हो गई 2, देन टीबिया 2, फिबुला 2, देन टार्सल्स 14, एक जो लेग होता है उसमें एक फुट में जो एंकल्स में टार्सल्स होती हैं वो 7 इन नंबर्स होती हैं और दोनों फुट की 14 हो जाती हैं, ठीक है। उसके साथ ही यहां देखें और तो टार्सल्स, मेटा टार्सल्स, तो मेटा टार्सल्स 10 होती हैं। देन फैलेंजेस, फैलेंजेस जो कि टो में रहती हैं, तो वो कितनी होंगी 15, ठीक, ओके। सो नॉट 15, इट्स 14, एक एक जो फीट है उसमें 14 होती हैं और इसलिए दोनों की मिला के होंगी 28, और इसी तरह यहाँ पे भी 15 नहीं, एक जो हैंड होता है, एक जो हैंड होता है उसमें ये जो फैलेंजेस होती हैं ये 14 होती हैं, 12 फिंगर्स की और 2 थाम की, तो टोटल हो गई 14, ठीक है, ठीक है। 124 प्लस दिस 2 इज 126, ठीक है। 60 आर्म बोन, 60 लेग बोन, 120, 2 पेल्विक बोन 122 एंड 4 पेक्टोरल बोन इज 126, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 126 हो गई हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटन और 80 हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इस प्रकार 80 प्लस 126 हो गया 206 बोन, ठीक है। तो व्हेन वी काउंट ऑन वी शुड नॉट फॉरगेट एनी बोन्स, अदरवाइज अवर काउंट 206 विल नॉट फुलफिल, ओके। तो हमने सारी बोन्स देखी और इस प्रकार हमने काउंट किया
कि हमारी बॉडी में किस प्रकार 206 बोन्स होती हैं, ठीक है? इजंट इट अमेजिंग कि वी कैन काउंट अवर 206 बोन्स। वी हैव नेवर थॉट इट कि हम कभी अपनी बोन्स जो है वो काउंट कर पाएंगे कि टोटल कैसे 206 बोन्स हो जाती हैं, बट हियर वी कैन लिटरली काउंट इट आउट। ओके, सो नोट इट डाउन, दिस फ्लो चार्ट यू विल रिमेंबर वाइल रीडिंग दिस, ठीक है? स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम, ईयर ऑसिकल्स, एपेंडिकुलर में पेक्टोरल गर्डल, स्कैपुला क्लेविकल, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल, फैलेंजेस, देन पेल्विक में हिप बोन, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, लैट बोन, फीमर, टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस, ठीक? ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन नाउ। ओके, सो हमारी जो बोन्स होते हैं, हमने उनके स्ट्रक्चर्स देखे, तो कुछ बोन्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, कुछ बोन्स शॉर्ट होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं, और कुछ होती हैं इरेगुलर बोन्स, ठीक है? तो कौन कौन सी बोन होती हैं लॉन्ग बोन्स, कौन सी होती हैं शॉर्ट बोन्स, कौन सी होती हैं फ्लैट बोन्स, और कौन सी होती हैं इरेगुलर बोन्स, ठीक है? तो लॉन्ग बोन्स में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, जो कि हमारी अपर आर्म्स की बोन है वो, और साथ ही फीमर जो कि लेग्स बोन में आती है, फीमर, टीबिया एंड फिबुला, तो दीज कम्स अंडर द लॉन्ग बोन्स। देन शॉर्ट बोन्स कौन सी होती है, तो मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस एंड मेटाटार्सल्स, जो कि हमारे फीट में होती हैं, ठीक है? तो जो हैंड में मेटाटार्सल्स होती हैं, जो कि पाम में मिलती हैं वो, और फैलेंजेस जो कि फिंगर बोन्स होती हैं और टो बोन्स होती है वो, और जो फीट में बोन होती हैं वो कहलाती हैं शॉर्ट बोन्स, ठीक है? देन फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन कौन सी होती है, तो स्कैपुला जो हमारे पेक्टोरल गर्डल में मिलती है, स्टर्नम जिससे कि रिब्स आगे की तरफ जुड़ती हैं, ठीक है? ये जो है ये फ्लैट बोन है, और देन इनोमिनेट बोन, ठीक है? हिप बोन जो है ये आती है फ्लैट बोन में, ठीक है? और क्रैनियल बोन जो है ये भी आती है हमारी किसमें, फ्लैट बोन में। अब इरेगुलर बोन में कौन सी आती है, तो वर्टिब्रास जो है, वर्टिब्री, और साथ में कार्पल्स जो कि रिस्ट की बोन होती हैं, और टार्सल्स जो कि एंकल की बोन होती हैं, ये सभी इरेगुलर शेप की होती हैं, इसलिए उन्हें इरेगुलर बोन कहा जाता है, ठीक है? तो दीस आर द डिफरेंशिएशन, इनका जो टाइप्स हैं, लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट और इरेगुलर, ये बोन्स के हमारे टाइप्स हैं जिनके अंदर ये बोन्स आती हैं, ठीक है? नाउ हम जो है नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज जॉइंट, तब तक आप ये नोट डाउन कर सकते हैं।